गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग मैम. टुडे द स्ट्रेंथ इज वेरी लेस, ओनली 59 स्टूडेंट्स आर देयर. क्या बात है भाई, क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं बाकी लोग? Okay, Aman, as I told you in the last class about the different 10 lobes of the cerebellum, can you give the answer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Batao. First is the lingula. And actually, these are not the as such lobes, but the folia. Okay, not lobes, but yes, ma'am. Tell me. Batao. First is the lingula. Yes. Second central. Yes. Third is lobule. Okay. Fourth lobule. Yes, central lobule. Okay. Central lobule. Yes. Okay, then. Culumen. Or fifth is a decline, declive. Culmen. Okay. That yes, is known as culmen. Okay. Then declive. Sixth is a folium vermis. अपना ऑडियो वीडियो भी खोलो बेटा, है ना? यस यस मैम. पढ़ के बोल रहे हैं. यस देन. यस मैम. फोलियम वर्निस. ओके. पिरामिड. यस. यूवुला मैम. यूवुला. ओके. नोड्यूल. ओके. अनदर वन. ट्यूबर वर्निस. ट्यूबर वर्मिस. ओके. शिवांगी पूरे बता दिए इसने, टोटल 10. शिवांगी मेहरा. शिवांगी is present or absent? Not giving any answer. शिवांगी मेहरा, ओपन करके छोड़ देते हो आप लोग? शिवांगी, सच टाइप ऑफ क्लास इज गोइंग ऑन. ठीक है, आप लोग चालू करके इधर उधर छोड़ के चले जाते, घर में काम करते रहते हो. एम आई राइट? वैसी प्रॉब्लम में और थोड़ा भी नहीं सुनोगे तो कैसे पढ़ोगे? Shivangi is absent, I think so, because not she is not giving the answer. ठीक है, उसका absent लगेगा. यादव चौधरी. Yes ma'am. Total 10 बता दिए थे अमन ने. हाँ मैम. याद हो गए आपको भी? हाँ मैम. 10 folia of the this cerebellum. Okay. Now I'd like to continue with the cerebellum. Okay. Okay ma'am. This PowerPoint is visible. PowerPoint is visible to you or not? No, ma'am. Oh, there is a problem. क्या होता है? Just wait a bit. Now it is visible. Yes ma'am. Okay. Yes. Okay. In the last class you have seen this picture. It actually we were talking about the this metencephalon. Okay. Whole structure is the metencephalon. जो मेरा कर्सर जा रहा है यहाँ से ये लेके जो रेक्टेंगल बन रहा है, this whole structure is metencephalon and behind this आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है? From here to this, this is the medulla oblongata, ठीक है? तो metencephalon and myelencephalon, ठीक है? तो metencephalon has two parts, one is cerebellum, another is pons. Pons actually this is the thickened structure which is visible from the ventral aspect, ठीक है? Made up of this fibers, ठीक है? तो fibers they cross, they are transversely crossed, forming a thickened structure which is visible from the ventral aspect, and this is known as pons. ठीक है, एंड बिहाइंड द पॉन्स हियर देयर इज अनदर थिकेंड स्ट्रक्चर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट इज एक्चुअली यहाँ पे एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस लिखा हुआ है, ठीक है? वेंट्रल एस्पेक्ट से आपको दिखाएंगे, दैट इज द कॉर्पस ट्रेपेजॉइडम एंड दिस होल इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? तो इतना क्लियर हुआ, दिस इज मेटेनसेफ्लॉन, हियर इज द माइलेनसेफ्लॉन, ठीक है? तो माइलेनसेफ्लॉन इंक्लूड्स द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड मेटेनसेफ्लॉन हैज डॉर्सली प्रेजेंस ऑफ द सेरिबेलम एंड वेंट्रली द थिकेंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट दिस इन द ब्रेन स्टेम, दैट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है? दीज टू आर इंक्लूडेड इन द मेटेनसेफ्लॉन. ओके, तो दिस सेरिबेलम एक्चुअली इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है? आफ्टर सेरिब्रम दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अगेन इट इज हैविंग द आउटर स्ट्रक्चर दैट इज कॉर्टेक्स और ग्रे मैटर, ठीक है? एंड दिस ग्रे मैटर गिविंग द ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड फोल्ड नोन एज फोलियम, ठीक है? आई वुड लाइक टू शो अदर डायग्राम. Here you can see this is the cerebellum, ठीक है? तो this is the gross structure of the cerebellum is having three lobes, ठीक है? आप इसको देखोगे तो ये बीच वाला लोब को अपन कहेंगे वर्मिफॉर्म लोब एंड दीज टू आर द लेटरल लोब्स, ठीक है? फोलियम तो अलग थे, फोलिया के पार्ट्स आपने 10 बता दिए थे, 10 फोलिया आर देयर, ठीक है? विच यू विल सी इन दिस क्रॉस सेक्शन, जो आपको सजाइटल सेक्शन दिखेंगे उसमें देख लोगे. बट ग्रॉसली इफ एट अ ग्लांस इफ यू सी दिस सेरिबेलम तो आपको क्या दिखाई देगा? बीच में एक अलग जैसे वर्म जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? इस और ये दो साइड में लोब्स दिखाई दे रहे, तो वी कैन से द सेरिबेलम, एक्सक्यूज मी, okay? So this middle lobe is known as vermiform lobe and laterally two lobes are present known as lateral lobes, theek hai? So in general we can say the cerebellum has three lobes, one is vermiform lobe and two lateral lobes are there, theek hai? This cerebellum transversely oriented fold, ठीक है? एंड दीज फोल्ड्स आर नोन एज फोलियम विच इज सिंगुलर एंड प्लूरल में अपन बोलेंगे फोलिया, ठीक है? विच यू हैव सीन इन द कट सेक्शन, जो आपने आर्बोरविटे देखा था. तो हियर दीज ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड फोल्ड ऑफ द दिस ग्रे मैटर और कॉर्टेक्स ऑफ द सेरिबेलम आर नोन एज फोलिया, ठीक है? एंड सिंगुलर इज फोलियम, ठीक है? तो आप एंड इट फॉर्म्स द डॉर्सल पार्ट ऑफ द और रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है? अगेन दिस इज द कट सेक्शन, ठीक है? वी टेक द सजाइटल सेक्शन और मीडियल सेक्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है? तो कट करेंगे तो वी कैन सी दीज आर द 10 फोलिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज 10 फोलिया आर देयर the name you have given, ठीक है, आप उसको रट लीजिएगा, name of these folium starting from here to इस तरीके से end होगा, okay? तो these are the 10 folium. तो outer portion जो है कह सकते हैं अपन giving these transverse folds, and ये inner जो दिखाई दे रहा है that is the white matter. जो inner जो है जहाँ पे join करे, this portion is the white matter of the cerebellum, okay? It forms the roof of the fourth ventricle and attached to the brainstem. Brainstem से जुड़ा रहेगा by the presence of three pairs of stalk. ठीक है, although these stalks are not clearly visible, एक आध पिक्चर में था लेकिन वो बहुत क्लियर नहीं था. ठीक है, तो these three pairs of peduncles भी कह सकते हैं और stalk कह सकते हैं. तो first one जो pair जाएगा, जो आगे की तरफ जाएगा, that connects the cerebellum to the midbrain. ठीक है, जो क्रूरा सेरेब्राई वाला पोर्शन है वहां जाके अटैच होगा. Am I audible? क्या हो गया? No, properly audible नहीं हूं. कट की आवाज आ रही है. आवाज नहीं आ रही है, कट का आ रही है. नेटवर्क प्रॉपर है यहाँ पे? क्लियर है. तो आपके वहां प्रॉब्लम मतलब क्लियर है, क्लियर है. तो जहाँ कभी प्रॉब्लम हो तो रोक दिया करो कि कहीं. ठीक है, तो हाँ, 10 फोलिया आर देयर. ठीक है, बीच में आपको देयर इज व्हाइट मैटर. पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो दिस सेरिबेलम इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, एंड जस्ट बिलो इट देयर इज अ पॉन्स. मैं बता रही थी, हाँ, थ्री पेयर्स ऑफ पेडुंकल्स ऑफ द सेरिबेलम आर द फर्स्ट पेयर. ठीक है, दोनों तरफ से निकले. पेयर का मतलब है राइट और लेफ्ट साइड जो है दोनों तरफ से निकलेंगे, हालांकि सेरिबेलम इज सिंगल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो फर्स्ट पेयर जो हो जाएगा दैट कनेक्ट्स द सेरिबेलम टू द ब्रेन स्टेम, मतलब आगे की तरफ जाएगा जो कि क्रूरा सेरेब्राई उससे जोड़ेगा और मिड ब्रेन. ठीक है, क्रूरा सेरेब्राई ऑल ऑफ यू नो दैट इज द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन. तो वहां जाके जुड़ेगा, तो दैट इज द फर्स्ट पेयर ऑफ स्टॉक और पेडुंकल नोन एज दिस ब्रेकियम कंजक्टाइवम, दैट इज नोन एज ब्रेकियम कंजक्टाइवम. ठीक है, बुक में लिखा है, इसको पढ़ लेना. तो फर्स्ट पेयर इसको किससे जोड़ेगा? सेरिबेलम टू द दिस मिड ब्रेन. ठीक है, सेकेंड पेयर ऑफ द स्टॉक ऑल्दो नॉट विजिबल. ठीक है, वो सीधे सीधे कहाँ से आएंगे? दैट कनेक्ट द सेरिबेलम टू द पॉन्स. पॉन्स के एक इधर और एक उधर चला जाएगा. दैट पेयर और मिडिल पेयर ऑफ द दिस सेरिबेलम स्टॉक इज नोन एज ब्रेकियम पोंटिस. पॉन्स से जुड़ा है तो अनदर नेम इज ब्रेकियम पोंटिस. तो मिडिल सेरिबेलर पेडुंकल्स भी कह सकते हैं और ब्रेकियम पोंटिस. पहले वाले को बोल सकते हैं एंटीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स और ब्रेकियम कंजंक्टिवम. ठीक है, द थर्ड पेयर ऑफ स्टॉक व्हिच कनेक्ट्स दिस सेरिबेलम टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा, दैट पेयर इज नोन एज रेस्टिफॉर्म बॉडी. इसको क्या कहेंगे अपन? रेस्टिफॉर्म बॉडी. ठीक है, तो थ्री पेयर्स. एक्चुअली द फंक्शन ऑफ दिस स्टॉक टू कनेक्ट द ब्रेन स्टेम विद द सेरिबेलम. क्या काम होगा इनका? कनेक्ट करना मतलब इंफॉर्मेशन आने जाने के लिए. ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स. वाइट फाइबर्स आर देयर. ठीक है, और एक्सॉन आर देयर. तो ये बंडल्स जो रहेंगे, स्टॉक का काम क्या है? टू कनेक्ट द ब्रेन स्टेम टू द सेरिबेलम. ठीक है, तो सेरिबेलम में आप क्या क्या बताओगे? सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ठीक है, कंपोज्ड ऑफ आउटर ग्रे मैटर, इनर व्हाइट मैटर. द ग्रे मैटर इज इन द सरफेस ऑफ द सेरिबेलम इज हैविंग ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड फोल्ड्स नोन एज फोलिया. ठीक है, टोटल 10 फोलिया आर देयर. आपको उनके नाम लिखने हैं. ठीक है, and if you see from the dorsal aspect, there three lobes of the cerebellum are visible, and these lobe are the middle one is known as vermiform lobe, and lateral lobes are the laterally two lateral lobes are there. ठीक है, इतना बताओगे. It forms the roof of the lateral ventricle. ठीक है, cerebellum is having three pairs of peduncles, anterior peduncle also known as brachium conjunctivum, middle pair which connects the cerebellum to the pons known as brachium pontis, the caudal pair which connect the cerebellum to the medulla oblongata are known as. कौन बताएगा caudal pair of the cerebellum? Restiform body. Clear हो गया इतना? ठीक है, then pons को आप देखोगे, this is the pons. ठीक है, तो इस आप सेरिबेलम में देख रहे हैं, इसी के नीचे की तरफ होगा एक्चुअली। ये दिख रहा है आपको, इसमें थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा because it is not visible to me. This structure is a pons, ठीक है। यहाँ मेरे यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है इसलिए आई एम नॉट एबल टू सी इट। तो दिस एरिया ऑफ द मेटेंसेफ्लॉन इज द पॉन्स विच इज थिकेंड स्ट्रक्चर, ट्रांसवर्सली थिकेंड स्ट्रक्चर। कैसे बोलेंगे? ट्रांसवर्सली थिकेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, हैविंग द फाइबर्स विच आर ओरिएंटेड ट्रांसवर्सली, ठीक है। एंड पॉन्स को आप देखोगे ऊपर से, इट इज कनेक्टेड टू द सेरिब्रल पेडुंकल्स। तो पॉन्स से आप देख रहे निकलते हुए सेरिब्रल पेडुंकल जा रहे हैं। तो सेरिब्रल पेडुंकल का नाम काम बताया था मैंने, दैट कनेक्ट्स द ब्रेन स्टेम टू द टू ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा है, विजिबल है दिस पोर्शन और हैविंग सम नोटिफिकेशन। इज इट विजिबल? जो कर्सर रखा है, ये एरिया दिख रहा है आपको? यस मैम, यस मैम। क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा, यहाँ पे है पॉन्स, ठीक है। तो दिस एरिया इज द पॉन्स, ठीक है। और उसके डॉर्सल साइड में आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे है सेरिबेलम, ओके। देन लेटरल वेंट्रिकल। एक्चुअली लेटरल वेंट्रिकल इज द डायमंड शेप, इलॉन्गेटेड डायमंड शेप कैविटी यहाँ पे होगी बेटा, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल्स सॉरी सिंगल है, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल इज ए डायमंड शेप कैविटी प्रेजेंट बिलो द सेरिबेलम। बिल्कुल यहाँ पे नीचे स्पेस, नैरो स्पेस इज विजिबल, ठीक है। जैसे आप डायमंड क्या बोल सकते हैं, जैसे हैविंग पॉइंटेड एंगल, ठीक है। जो आप लोग घर में बनाते हैं ना, अपन क्या बोलेंगे उसको, नमक पारे है, जो उसका शेप होता है बिल्कुल डायमंड शेप। तो सेम शेप इज देयर, ठीक है, which is having two angles and narrow, this cavity just present just below this cerebellum, and this cavity is the cerebellum, ठीक है। तो actually this cavity is the excavation in the metencephalon as well as in the medulla oblongata. Students, now I have to leave due to some urgent work, ठीक है। तो क्लास कर लेंगे, देयर इज अर्जेंट मीटिंग, ठीक है। तो क्लास बाद में कंटिन्यू करते, देखती हूँ अगर कुछ, अगर मैं जल्दी आ गई तो आपको कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज यू हैव टू लीव द क्लास, ठीक है। ओके मैम।